सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिव शंकर है और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर शिव। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ फ्रेंड बेस्ट डिस्प्ले ग्लू के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया कि कोई और भी डिस्प्ले ग्लू के बारे में बताया जो इससे भी स्ट्रांग हो, इससे भी हार्ड हो और इससे भी काम करने में आसानी हो। तो फ्रेंड, मैं आज चार डिस्प्ले ग्लू के बारे में बताने वाला हूँ, उसमें डिफरेंसेस और किस डिस्प्ले को कहाँ पे यूज़ करना है, किसका प्राइस कितना है, ऑनलाइन में आप कहाँ खरीद सकते हैं, ऑफलाइन में कहाँ खरीद सकते हैं, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो फर्स्ट डिस्प्ले ग्लू है हमारा वो B7000 है, जो सेकंड डिस्प्ले ग्लू है वो है T7000 और जो थर्ड डिस्प्ले ग्लू है वो है हमारा T8000 और जो फोर्थ डिस्प्ले ग्लू है वो है E8000। तो चारों में मैं डिफरेंसेस बताने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस है और किस डिस्प्ले ग्लू को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसको फोल्डर लगाने में यूज कर सकते हैं, किसको टच लगाने में यूज कर सकते हैं या फिर किसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सारा कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं B7000 के बारे में। तो ये देख सकते हैं जो B7000 है ये थोड़ा सा लाइटली येलो और ट्रांसपेरेंट होता है, इसे ट्रांसपेरेंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो हल्का सा येलो टाइप के दिखेगा। इस डिस्प्ले ग्लू को मेनली आप टच फिक्स करने में यूज में ला सकते हैं और आपको पूरा फोल्डर नहीं चेंज करना है, उसमें सिर्फ टच आपको चेंज करके देना है, तो वहाँ पे आप B7000 का यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा ग्लू है, लाइट को भी आउट नहीं होने देता है और अगर मिस्टेक से एक दो बूंद टच और डिस्प्ले के जो गैप है उसके अंदर भी चल गया, दोनों के बीच में भी आ गया, तो यह सूखने के बाद बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सेकेंड हमारा डिस्प्ले ग्लू है वो है T7000। ये जो डिस्प्ले ग्लू है वो प्योर ब्लैक होता है, लेकिन इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा थोड़ा देर बाद। थर्ड हमारा जो डिस्प्ले ग्लू है वो T8000 है। तो T8000 देख सकते हैं कुछ इस तरह का ब्लैक ग्लू इसमें निकलता है और काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और काफ़ी कम टाइम में ये सूखता है। यानी कि अगर आपको कोई फोल्डर लगाना हो और कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो कि हमें 1 से 2 घंटा में फ़ोन चाहिए, तो वहाँ पे आप इस डिस्प्ले ग्लू को मेनली यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है और बिल्कुल ही कम टाइम में डिस्प्ले को जो है और फ्रेम से बहुत ही अच्छी तरह से चिपका देता है। माइनली आपको आधा से 1 घंटा लगेगा और आपका डिस्प्ले जो है फोल्डर में बिल्कुल ही प्रॉपर तरीका से फिट हो जाता है। तो आप इसे ब्लैक कलर का फोल्डर लगाने में या फिर ब्लैक कलर का फ्रेम है, ब्लैक कलर का डिस्प्ले है और अगर आप पूरा फोल्डर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप T7000 का यूज कर सकते हैं, सॉरी T8000 का यूज कर सकते हैं। अब हमारा आया T7000 है उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कोई होता है कि कस्टमर फ़ोन छोड़ देते हैं हमारे यहाँ, यानी कि मान लीजिए कि किसी को फोल्डर लगाना है, वो बोला कस्टमर कि भाई हम कल फ़ोन लेके जाएंगे, या फिर आप टाइम लेते हैं वो टाइम दे देता है, तो वैसे कस्टमर को आप T7000 का यूज कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले ग्लू है वो सूखता देर से है, यानी कि इसको सूखने में, इसको प्रॉपर अटैच होने में, प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में आने में कम से कम 4 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है। यानी कि जहाँ T8000 मान लीजिए कि उसका जो कैपेसिटी है, उसका अंदर जो क्षमता है वो 1 साल तक रहे, लेकिन इसमें वही है कि 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन सूखने में भी टाइम लेता है। अब सबसे फोर्थ नंबर पे हमारा जो डिस्प्ले ग्लू आता है वो आता है E8000। तो E8000 को कहाँ पे यूज करना है, तो इसको आप टच लगाने में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी का फोल्डर में से टच और डिस्प्ले को अलग कर दिए हैं और उसका जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपको सिर्फ टच चेंज करना है, तो वहाँ पे अगर आप ब्लैक ग्लू का यूज करते हैं तो क्या होता है कभी कभी कि ग्लू का एक आध लेयर, चाहे एक क्वाइट पॉइंट या फिर एक आध बूंद डिस्प्ले और टच के बीच में आ जाता है, तो वहाँ ब्लैक हो जाता है, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं लगता है, कस्टमर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और 2-4 बार सुना ही क्या आपको जाएगा। वहाँ पे आप E8000 का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट ग्लू है, ये अगर अंदर भी चला जाता है थोड़ा सा मात्रा में या फिर ज़्यादा भी मात्रा में तो ये कोई खास डिफरेंस होने वाला नहीं है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सूखने के बाद हो जाता है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत ना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं बता दूं कि अगर T8000 के बारे में अगर विशेष डिटेल में वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप
ई 8000 के बारे में पूरा डिटेल में प्रैक्टिकली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे यूज किए हैं हम। उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली बताया है और इस वीडियो में मैंने शॉर्ट में चारों के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दिया है। और जल्द ही हमारा 10,000 सब्सक्राइबर यानी कि 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। मैं गिव अवे करने वाला हूँ 1,000 रुपीज़ का कोई गिफ्ट या फिर पेटीएम कैश। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कोई प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और आप भी उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।